हेलो बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। यूनिट 4 हमारा पॉइंट चल रहा है सीड डोरमेंसी या सस्पेंडेड एनिमेशन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिए पॉइंट्स कि बाय फिजियोलॉजिकल एंड एंडोजिनस बैरियर्स, जैसे कि सीड कोट या फ्रूट जो भित्ति है, फल भित्ति पेरिकार्प, उसकी वजह से अगर कोई एनिमेशन आ रहा है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो वहाँ हम यूज में ले सकते थे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की वजह से, कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट या पोजीशन या उसकी कोई जो स्टेट है उसकी वजह से कोई सस्पेंशन या सस्पेंडेड एनिमेशन कॉज हो रहा हो। थर्ड वन हम कर सकते थे पर्टिकुलर सीड्स के अंदर कुछ इनहिबिटर्स की उपस्थिति, अर्थात वृद्धि संदमक हार्मोन्स की उपस्थिति जो है वो भी क्या कर सकती है, सस्पेंडेड एनिमेशन कॉज कर सकती है। देन पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट, ठीक है, एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी जो है वो सस्पेंडेड एनिमेशन के कारण होते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम दूर कर दें, इन्हीं फिजिकल फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर्स को दूर कर दें, तो हम सीड जर्मिनेशन कॉज कर सकते हैं या सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी एक चीज, दूसरा इसी को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, और सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बीज अंकुरण की बात करें तो बीज अंकुरण में एक्चुअली में ये बीज अंकुरण में करेगा क्या, तो बीज अंकुरण के लिए इसे क्या क्या चाहिए, जो कॉजेज हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सीड कोड जो है वो कैसा हो जाए, जल के लिए पारगम्य हो जाए, अवघटित हो जाए। ठीक है, अंदर की तरफ वाटर के पहुंचने की वजह से जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सक्रिय हो जाए, एंजाइम सक्रिय हो जाए, जो इनहिबिटर्स हैं वो क्या हो जाए, डिले हो जाए या अवघटित हो जाए, तो उसके अंदर कई सारे चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कॉजेज की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी जो है उसमें हमारा अभी जो टॉपिक है वो है मेथड्स, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स की हमको जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम नंबर वन पे यहां पे ले लेते हैं, सीड कोट से ही शुरू करते हैं। सीड कोट को ही हमको क्या करना है, अपघटित करना है और वाटर परमिएबल बनाना है, गैस परमिएबल बनाना है, तो दैट इज स्कैरिफिकेशन। ठीक है, स्कैरिफिकेशन को अगर अपन समझे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को रगड़ना या खुरचना। ठीक है, तो खुरचने से क्या होगा, जो हार्ड सुबेरिन की या पेक्टिन की लेयर सीड कोट के ऊपर है वो घिस जाएगी। ठीक है, या फिर जो सीड कोट हार्ड है वो क्या हो जाएगा, भ्रंगुर हो जाएगा या वीक होने की वजह से वो वाटर परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, या उसमें हो सकता है मैकेनिकल फोर्स की वजह से सिल्ट हो जाए, दरारें पड़ जाएं जिससे वाटर अंदर की तरफ प्रवेश कर जाए। लेकिन इस सारी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरीके से फिजिकल मैनर है और इस फिजिकल मैनिकल या मैकेनिकल मैनर है ये, और इस मैकेनिकल के अंदर एम्ब्रियो को क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर एम्ब्रियो 1% भी डैमेज होता है तो वो कंप्लीट डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देगा, एक तरीके से एम्ब्रियो ही नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि इस टेक्निक में हम सीड जो है उसके बीज चोल को क्या करते हैं, घिसते हैं। तो इसमें भी जैसे अगर कुछ पॉइंट्स दें तो जैसे कि बायोलॉजिकल, एक्चुअली में हम बोलें तो प्रकृति अपना रास्ता खुद चुनती है। ठीक है, वो इंसानों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने एक तरीके से एजेंट्स खुद चुनती है हर चीज़ के। हम आज चीज़ों को समझ चुके हैं और काफ़ी कुछ हमारे उपयोग की जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो जंगल में वाइल्ड स्पीसीज है उनको कौन सा हम पूरा करने जाते हैं, वो तो स्वयं अपने हिसाब से जो है इन चीज़ों को क्या कर लेती हैं, टॉलरेट या कंसिडर कर लेती हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो बायोलॉजिकल में एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सर्सीडम का दे सकते हैं। सर्सीडियम का सीड कोट जो है वो हार्ड होता है,
जो कि किसके लिए, वाटर एंड ओ टू के लिए इम्परमिएबल, वाटर और ओ टू के लिए क्या है, पूरी तरीके से इम्परमिएबल है। तो ऐसे में दूसरा सी डी एम की अगर अपन बात, वॉटर सी डी एम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, जीरो फिटिक अडेप्टेशन, ठीक है। और जीरो फिटिक में हमको पता है कि टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल कम है, लाइट इंटेंसिटी अधिक है, तो फाइनली क्या होगा कि जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर की, बहुत ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट करने की। तो ऐसे में इनका सीड कोड जो है विषम परिस्थितियों के लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब अगली साल वर्षा ऋतु आती है या फेवरेबल कंडीशन आती है तो बरसात बहुत कम होती है, और उस बरसात की अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो इनका अंकुरण जो है वो इस हार्ड सीड कोड की वजह से नहीं हो पा रहा। तो इन्होंने क्या अपने आप को मेंटेन किया या क्या इन्होंने सुविधा अपनाई कि जब कम रेनफॉल होता है तो इनमें अंकुरण होता ही नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा रेनफॉल होता है तो सीड्स जो हैं, सीड्स प्रवाहित जल के साथ लुढ़कते हैं या रगड़ते हैं, जिसकी वजह से सीड कोट किससे टकराता है, सैंड पार्टिकल से, और सैंड पार्टिकल्स के टकराने के कारण इनका जो सीड कोट है वो कैसा हो जाता है, भ्रंगुर प्रकृति का हो जाता है, और अधिक समय में पानी में डूबे रहने के कारण ये जल क्या कर लेते हैं, एक तरीके से इनहिबिशन, अंत्यावशोषित, और अंत्यावशोषित के फलस्वरूप जो इम्बिबिशन प्रेशर है वो सीड कोट को ब्रेक करने में या तोड़ने में सहायता देता है। इस प्रकार इनमें अंकुरण संभव होता है। उसी प्रकार से एक हम ले लेते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल या यांत्रिक, मैकेनिकल में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैकेनिकली किसी नुकीली धारदार चीज से सीड कोट को कुचलना, सीड कोट के जो अपर क्यूटिकल या वैक्स या सुबेरिन लेयर है उसको क्या करना, रगड़ना, रगड़ के उसको उतार देना, ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं, या छोटी हथौड़ी या किसी नुकीली चीज़ की सहायता से क्या करना, सीड कोट को तोड़कर अलग कर देना, ये सारे की सारी व्यवस्था किस में आती है, मैकेनिकल में आती हैं। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग भी हो गई। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक और आ रही है कि यहाँ पे सीड एम्ब्रियो जो है उसको कहीं कोई आघात लगना नहीं चाहिए, नुकीली औजार, ठीक है, लाइक चाकू, कील, छोटी हथौड़ी आदि से क्या किया जाता है, सीड कोट को रिमूव किया जाता है। अब घटित या तोड़ा जाता है। तीसरा एक यहां पे प्रोसेस ले लेता है इंपैक्शन, इंपैक्ट मतलब कॉलेजन, कॉलेजन का मतलब होता है टकराना। अगर हम इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को आर्टिफिशियल तरीके से करें, ठीक है, मतलब एक ग्राइंडर ले, पीसने वाला ग्राइंडर नहीं, घुमाने वाला ग्राइंडर, जिसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स या टफ चीज़ों के बीच में इन सीड्स को रखा जाता है और कुछ समय के लिए इनको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड का मतलब ऐसे पीसना होता है, यहाँ पे ग्राइंड का मतलब है इनको रोटेट करना, घुमाना। तो लगातार इनके घूमने से जो पार्टिकल्स के एजेज हैं उनके टकराने से, घिसने से, रगड़ने से या उनके बीच की टक्कर की वजह से क्या होता है, सीड्स जो है वो भ्रंगुर हो जाते हैं, या इनके जो मतलब एक तरीके से जो कोट है ऊपर की हाइड्रोफोबिक कोट वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीका हो गया, मैनी मोर सीड्स को इसके अंदर डाल के घुमाया जाता है, रगड़ा जाता है, सीड्स को आपस में टकराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ संभव हुई है।
और एक फिर लास्ट अगर अपन बात करें तो केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स की हम बात करें तो काफी केमिकल्स कंसंट्रेट जैसे कि H2SO4 में कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं कुछ समय, क्योंकि H2SO4 कंसंट्रेट की हम बात करें तो इसके ऊपर वसा जो है वो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, सीड कोट भी क्या हो जाएंगे, अपघटित। दूसरा अगर अपन बात करें तो वसा विलायक में डुबोने से, वसा विलायक जो होते हैं उनके अंदर वसा क्या हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी या विलय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव वैक्स की हम बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं किसकी, पेक्टिन की, सुबेरिन की। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंजाइम, एंजाइम भी यूज में ले सकते हैं, कौन सा, एक गर्म पानी में भिगोने से या डुबोने से, तो पानी के गर्म होने से कई बार जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से डिपोजिशन हो रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सुबेरिन की, आदि क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं या गल जाते हैं, और इनके डिग्रेड होने की वजह से जो सीड कोट है वो वाटर परमिएबल हो जाता है और वो अवशोषित करके क्या कर लेता है, सीड जर्मिनेशन को कॉज करने में सक्षम हो जाता है। तो दीज आर द फिजिकल मैनर्स, जिसमें स्कैरिफिकेशन, रगड़ना, एक्चुअली भी हम बोले तो ये सारे अपने आप में एक एक है ही प्रोसेस, लेकिन स्कैरिफिकेशन यहाँ तक, फिर दूसरा आ जाता है इम्पैक्शन, ये अलग प्रोसेस हो गया, ये रगड़ना नहीं हो गया, ये टकराना हो गया, और ये केमिकल प्रोसेस हो गया, ये अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल, आर्टिफिशियल, और ये सारे सारे आर्टिफिशियल मैनर्स ही हैं, क्योंकि सामान्यतः तो जो अपघटनकारी एंजाइम्स है वो सीड के अंदर खुद में ही मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीड में अंदर खुद में ही मिलते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, इनको डिग्रेड करने में सक्षम होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी सेकेंडरी डॉर्मेंसी या कभी कभी इस तरीके का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से सीड जो है वो वाटर के लिए पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। कुछ सीड्स में ये मिलता ही है और कुछ में किसी कारणवश हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, अब यहाँ पे हम इसमें ले सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी सीड जर्मिनेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमने अभी पहले पढ़ भी लिया था। तो इसमें जैसे टेम्परेचर में कुछ हाई टेम्परेचर के होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर, जिनको हम वर्निलाइजेशन एक वर्ड बोलते हैं, बसंतीकरण, इस बसंतीकरण टेम्परेचर की वजह से हम क्या कर देते हैं, इनमें ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी या सीड जर्मिनेशन कॉज करा पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख ही देता हूँ जो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज इंफेक्शन। टकराना, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हम ले लेते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट, चिलिंग ट्रीटमेंट, चिलिंग का मतलब हो गया द्रुत शीतलन, द्रुत शीतलन। तो द्रुत शीतलन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो टेम्परेचर है उसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जा रहा है और कुछ समय के लिए उस टेम्परेचर पे रखा जा रहा है। तो इस टेम्परेचर पे माना जाता है कि एक्चुअली में जो सीड्स हैं उनके अंदर जो इम्बिबेंट्स हैं, इनहिबिटर्स जो उसके अंदर हार्मोन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन की सांद्रता इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बनने लगती है या बढ़ने लगती है, और उसी के साथ में यह एक तरीके से एब्सिसिक एसिड की सांद्रता को क्या करने में, रिड्यूस करने में सक्षम हो जाता है, जिसकी वजह से सीडलिंग ग्रोथ या इनिशिएशन, सेल डिवीजन का इनिशिएशन जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसी अगर चिली इफेक्ट में एक एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर का डाल दूँ, सीडियम, सीडम के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसे ब्रेकिंग के लिए, किसको,
डॉर्मेंसी को ब्रेकिंग करने के लिए लगभग हाई टेम्परेचर की जरूरत है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल कम टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे में इन्होंने क्या डेवलपमेंट कर रखा है कि यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट होता ही बसंत के बाद है, तो उस बसंत के बाद जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसके अंदर इनके सीड्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, और एम्ब्रियो जो है सीड डॉर्मेंसी के लिए क्या हो जाता है, तैयार। देन फिर सर्दी ऋतु के अंदर तक इनका डेवलप मतलब जर्मिनेशन हो जाता है, और सर्दी ऋतु में ये क्या करते रहते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। उसी तरीके से ये कुछ अलग अपवाद स्वरूप, अपवाद नहीं है मतलब चिलिंग टेम्परेचर का ही प्रभाव है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर का है। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये इससे उल्टा है, इनको किसके लिए, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए, इनको अब डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और वही डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री से ऊपर का डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण का ही एक तरीका हो गया ये। और इसमें हम एग्जांपल मैनी मोर प्लांट उनको ले सकते हैं, चाहे आप ले लीजिए पाम, पीच, मैपल मतलब सेब ले लीजिए, चेरी ले लीजिए, शुगर केन ले लीजिए, सैकेरम, गन्ना। मैनी मोर प्लांट्स की हम बात करें तो इनको यही चाहिए, ठीक है, जो कि एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो भौगोलिक दृष्टि में जो सीड जर्मिनेशन होते हैं उनको सील्ड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वहीं एक एग्जांपल और अगर अपन ले लें तो जो जस्ट हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं वहाँ पे हमने एक तरीके से आफ्टर रिपनिंग जो पढ़ा, एक तरीके से उत्तर पकवन काल जो पढ़ा, उसमें जैसे कि वीट मतलब गेहूँ, जौ, बारले, बाजरा, ज्वार, सोरगम, ठीक है, तो इनकी अगर अपन बात करें तो इनमें दो कॉजेस थे, एक तो इनके लिग्यूल को हटाना जरूरी था, दूसरा इनका स्टोरेज, स्टोरेज जो है वो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है लंबे समय तक, तभी ये नेक्स्ट सीजनल के अंदर या एक तरीके से जर्मिनेट सीजन के अंदर क्या होते हैं, अपने आप को जर्मिनेट करने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ गई, एक तरीके से हाई टेम्परेचर भी और लो टेम्परेचर भी, ठीक है। इसी में एक टेम्परेचर में एक पॉइंट और डाल देते हैं, दैट इज एक तरीके से एनकरेज या क्या बोल सकते हैं हम, अल्टरनेट टेम्परेचर या अल्टरनेशन इन टेम्परेचर, अल्टरनेशन इन टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है। अल्टरनेशन इन टेम्परेचर की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि दो टेम्परेचर्स के बीच में लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तो अंतर होता है, और तेजी से इन टेम्परेचर्स को क्या किया जाता है, वेरिएबल किया जाता है, इनके बीच में अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में इनको क्या कर दिया जाता है, चेंज, मतलब बहुत तेजी से गर्म और बहुत तेजी से ठंडा, और इस अल्टरनेट पोजीशन को काफ़ी लंबे टाइम तक बार बार दोहराया जाता है। और देखा गया है कि मैनी मोर प्लांट्स जो है उनके सीड्स जो कि इन तरीके से जर्मिनेट नहीं होते, वो टेम्परेचर अल्टरनेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और जर्मिनेट होने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रोमैक्स, ठीक है, इसकी स्पीसीज लिख सकते हैं क्रिस्पस, रोमैक्स क्रिस्पस। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि लाइकोपस, लाइकोपस एमओ एमओपीएस लाइकोपस,
लाइकोपस स्पीसीज, ये है कुछ एमओस्पीएस, एमओस्पीएस कुछ ऐसा नाम है लाइकोपस एमओस्पीएस ई छोटा, ठीक है। तो इनमें क्या किया जा रहा है, जैसे कि रूमेक्स है, रूमेक्स में टेम्परेचर जो है वो जब तेजी से अल्टरनेट किया जाता है और दोनों टेम्परेचर में लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस दिया जाता है, तो इन सीड्स में जो है वो डॉर्मेंसी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, या सुविधाजनक से अब इनमें जर्मिनेशन जो है वो प्रेरित हो जाता है। तो ये भी एक ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी का ट्रीटमेंट होता है। साइंटिस्ट द्वारा ये कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो टेम्परेचर में अल्टरनेटिंग होती है, इसके कारण बीज जो चोल है या जो बीज है उसके अंदर गैसेज का आदान प्रदान में सक्रियता बढ़ती है या आदान प्रदान बढ़ता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन कॉज या ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर का हमने चिलिंग इफेक्ट देख लिया, एक तरीके से हाई टेम्परेचर इफेक्ट देख लिया, अल्टरनेटिंग देख लिया, अब यहाँ पे यूज में ले लेते हैं प्रेशर। प्रेशर ट्रीटमेंट, जैसे एक एग्जांपल दिया था हमने पवित्र कमल का, एक हम दे सकते हैं वहाँ पे जैसे ल्यूपिन्स का, उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे देते हैं क्या ये अल्फा अल्फा प्लांट मेडिकैगो सटाइवा, मेडिकैगो सटाइवा, मेडिकैगो सटाइवा को नॉर्मली हम अल्फा अल्फा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ पे ले सकते हैं मिली लोटस, स्पीसीज है इसकी एल्बा, ठीक है, मिली लोटस एल्बा। अगर अपन इनकी बात करें, एक हमने जैसे लोटस की बात करी, एक ल्यूपिन्स की भी बात करी, तो इनके अंदर क्या रहा है, इनका सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है, वेरी हार्ड सीड कोट। ठीक है, तो इस सीड कोट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इन सीड कोट्स के कारण क्या हो रहा है, इनके अंदर सीड जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम इसे 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, 20 मिनट तक लगभग 2000 ATM प्रेशर देते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल एक चीज, यहां पे हमने मैकेनिकल देखा और इस मैकेनिकल में क्या किया, हमने यांत्रिक विधि से हथौड़ी से या किसी नुकीली चीज से सीड कोट को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट हुए, तो वो एक अलग प्रोसेस है। यहां पे भी वही चीज हो रही है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से समझिए। प्रेशर ट्रीटमेंट में उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, प्रेशर ट्रीटमेंट में जो सीड कोट है वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, और सीड कोट में अगर अपन 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए अगर 2000 ATM प्रेशर को दे, तो इस प्रेशर पे क्या हो जाएगा, हम सीड कोट ब्रेकिंग या सीड डॉर्म वो जो है सॉरी क्या बोल रहे हम सीड जर्मिनेशन को क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, और क्या बोल गया, हाई टेम्परेचर और अधिक समय के लिए अगर हम 2000 ATM का प्रेशर उस पर देते हैं, तो देखा गया है कि इनकी जो जर्मिनेशन स्ट्रेंथ है
इनकी जो जर्मिनेशन स्ट्रेंथ है वो 50 से 100 गुना तक बढ़ जाती है। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि हम हर प्रकार के सीड को नहीं तोड़ सकते। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि जो वाइल्ड स्पीसीज है वहाँ हम थोड़ी जाते हैं, हम तो केवल उन तक ही तो व्यवहारित करते हैं जिनके सीड्स हमारे यूजफुल के हैं, हमारी स्टडी जिन पे हो चुकी है। तो ऐसे में हम हर सीड पे नहीं पहुँच पा रहे। तो यहाँ पे केवल प्रेशर इफेक्ट दिखाया गया है कि कुछ सीड्स जो है वो प्रेशर के द्वारा ही जर्मिनेट हो पाते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रेशर कैसे मिल सकता है? ये मिल सकता है हाई रेंज से गिरने पर, नदी के जो तलेटी है उनमें सीड पार्टी सॉइल पार्टिकल्स के साथ में घिसड़ने पर या टकराने पर। इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं अब लाइट। तो लाइट ट्रीटमेंट की हम बात कर चुके, लाइट ट्रीटमेंट जो है उसका प्रभाव पड़ता है किन के ऊपर? ओनली ऑन पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक सीड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स को तो लाइट की जरूरत है ही, अगर लाइट देंगे तभी वो जर्मिनेट हो पाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड को लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने लाइट दे दी तो वो क्या नहीं हो पाएंगे? जर्मिनेट नहीं हो पाते। ये उनके साथ में क्या बोलते हैं स्ट्रेटर्जी है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं नाइजीला, नाइजीला स्पीसीज सीड्स, इनके अंदर हम यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम नाइजीला सीड को लाइट अगर इंटेंसिटी देते हैं तो इनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, इनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता। एक चीज और, दूसरा एक रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड लाइट। और रेड लाइट कौन सी? हेलो हेलो, ठीक है, रेड लाइट की अगर अपन बात करें लगभग 650 से 670 nm इस लाइट के ऊपर सीड जर्मिनेशन पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। अर्थात सीड जर्मिनेशन जो है वो सुविधाजनक तरीके से होता है, या हम कह सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन का जो इंटेंसिटी रेशियो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन इंफ्रारेड अबाउट 630 nm या इससे अबव देन अगर वेवलेंथ की अगर अपन बात करते हैं, इससे अबव देन वेवलेंथ की अगर अपन बात करें तो यहां पे जर्मिनेशन जो है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट होता है। सीड जर्मिनेशन क्या हो जाता है? सस्पेंडेड हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब यहां पे O2 लेवल, सेवेंथ पॉइंट इज ऑक्सीजन डिमांड। टाइम तो बोल, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल का बहुत प्रभाव पड़ता है सीड जर्मिनेशन पे। प्लस हमने यहाँ पे ये भी देखा कि ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होता है सीड कोट मैनीमोर। तो ऑक्सीजन लेवल के लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद पूरी रिसर्च नहीं है अभी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल के इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसका स्तर भी क्या होता है, बढ़ता।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लाइट ट्रीटमेंट सॉरी ऑक्सीजन लेवल जो हमारा चल ही रहा है, ऑक्सीजन लेवल की अगर अपन कहें तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम प्रारंभ में भी कर चुके हैं, यहाँ पे जैंथियम, पेनिसिलेरियम, इसकी स्पीसीज है जैंथियम। तो जैंथियम के लिए हमने शुरुआत में भी एक एग्जांपल देखा था कि जैंथियम की जो वो है फल, उसमें दो सीड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला जो सीड है मतलब माइक्रोपाइल एंड की ओर, जिसके अंदर क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो, या अगर अपन कहें तो सीड कोड जो है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या पेनिट्रेशन लेवल कम है, वहीं मतलब एक तरीके से परमिबिलिटी। वहीं अगर अपन लोअर सीड की बात करें तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल की वजह से उसमें जर्मिनेशन कॉज हो रहा है। तो यहाँ इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि अर्थात पूरी कार्यविधि तो हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी को कॉज करती है। ये हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने पर एक चीज़ और देखा गया है, जिब्रेलिन हार्मोन की सांद्रता बढ़ रही है, वहीं एब्सिसिक एसिड ABA हार्मोन जो है उसकी सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका कारण ये मान सकते हैं कि एक ही कारण नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाने में या एब्सिसिक एसिड की सांद्रता को कम करने में कार्य कर रही है। ठीक है, दूसरा ये हमें पहले से ज्ञात है ही कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पे है तो ऑक्सीडेशन अपघटन में, दूसरा रेस्पायरेशन में, और एनर्जी प्रोडक्ट बनने में या एनर्जी बनने में जो है ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका होती है। तो वैसे भी दूसरा ऑक्सीजन लेवल की अगर हम बात करें तो एट कौन सी लेवल, एट सीड डॉर्मेंसी, एट सीड डॉर्मेंसी, जब इसमें सीड कैसा है कठोर, सीड कैसा है कठोर, तो वहां देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत कम एक्टिव, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कम सक्रिय देखा गया। लेकिन जो ही सीड में इम्बिबिशन द्वारा सीड में आकार में आयतन में वृद्धि होती है या जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑक्सीजन लेवल को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के क्रेब साइकिल कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो क्रेब साइकिल की जो है सक्रियता देखने को मिलती है। यहाँ जैसे लाइट को एक नाम और हम दे सकते हैं, जैसे ऑल्सो इल्यूमिनेशन, उद्भासन, उद्भासन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल्कुल वैसे ही कार्यरत है जैसे कि एक तो रेड ड्रॉप, ठीक है, दूसरा इससे जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ टेम्परेचर जो हमने पढ़ा था वो भी एक तरीके से उद्भासन का ही कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि इसमें ये भी है कि जर्मिनेट होते हुए सीड जो कि एक तरीके से नेगेटिव फोटोप्लास्टिक हैं, और उन सीड्स के ऊपर अगर जर्मिनेट होते हुए सीड्स पे भी अगर हम इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ कुछ समय के लिए भी देते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेशन संदमित हो जाता है या धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो लाइट का काफ़ी प्रभाव इन पे देखने को मिला है, ऑक्सीजन लेवल, देन नेक्स्ट टेम्परेचर का काफ़ी हम कर चुके हैं, बाकी टेम्परेचर को भी एक बार और देख लेते हैं। टेम्परेचर में हमने चिलिंग इफेक्ट तो देख लिया, लेकिन टेम्परेचर में जैसे आफ्टर रिपनिंग सीड्स या एम्ब्रियो की अगर अपन बात करें, जैसे कि ऑर्किड्स,
ठीक है, जैसे कि नॉर्मल बात करें तो अपन आराम से एप्पल, चेरी, पर्ल इनकी बात कर सकते हैं, या फिर अगर खाद्य फसलों की बात करें तो जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार इनकी बात करें, तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेटिफिकेशन है दैट इज नॉन एज स्तरीकरण। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरण, जिसमें हम एक्चुअली में इनको स्टोर करते हैं, स्टोर एट लो टेम्परेचर, लगभग 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन्हें स्टोर किया जाता है, TEMP, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे स्टोर करके और इनको क्या किया जाता है, रिपनिंग के लिए तैयार किया जाता है, ताकि इनके एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएं, क्योंकि ये तुरंत बनने के तुरंत बाद या एक तरीके से डिस्पर्सल के तुरंत बाद जर्मिनेट नहीं हो सकते। ये अपने एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, सीड को एक तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, देन नेक्स्ट जो जनरेशन वो आ रही है इनकी फेवरेबल कंडीशन, तब जाकर ही ये क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये देखा गया है कि एट दिस टेम्परेचर सीड में एम्ब्रियो जो है वो कैसा रहता है, वाइबल रहता है। अगर इससे नीचे टेम्परेचर को हम लेके आते हैं, एट लो टेम्परेचर, तो इस लो टेम्परेचर पे भी अगर अपन कहें तो ऐसे में दे कॉजेज, कारण देखे गए हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर कॉजेज सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब सीड डॉर्मेंसी कॉज होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर नॉर्मल आने पर सीड डॉर्मेंसी ब्रेकेज के चांसेस बनते हैं, एक। दूसरा, यहां पे अगर हम कहे तो टेम्परेचर लो के ऊपर जहां नहीं हो पा रहा कुछ भी, उसी वक्त लाइटनिंग, जो फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं, जैसे कि अपन चिनोपोडिया की बात कर रहे थे, कैप्सुला की बात कर रहे थे, तो इन सभी के अंदर अगर हम कहें तो जब तक हम उनको अंधेरे में रखेंगे और लो टेम्परेचर पे रखेंगे, सामान्य तापमान पे, तो ये सीड जो हैं वो सस्पेंडेड एनिमेशन में ही रहेंगे और एक तरीके से अपने आप को क्या करेंगे, जर्मिनेट होने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये भी इनके स्टोरेज, संग्रहण या प्रिजर्वेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर लाइट, देन इसके बाद फाइनल स्टेज पे जब हम पहुंचे तो हमारे पास अब यहां पे आ जाता है मेन एक तरीके से हार्मोन्स, जिसको हम बोल सकते हैं यूजेज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक्चुअली में ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो दीज आर AIAA, इंडोलेस्टिक एसिड, IBA, ठीक है, जिब्रेलिन्स, ठीक है, GA सीरीज, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो हार्मोन्स आ जाते हैं साइटोकाइनिंस, ठीक है। लेकिन यहां अगर अपन देखें तो इनमें से सीड जर्मिनेशन में ओनली एंड ओनली जिब्रेलिन को अगर अपन निकालें, बाकी का कोई रोल नहीं है, इनकी वजह से सीड जर्मिनेशन पे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। ये हार्मोन सीड जर्मिनेशन के बाद सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन को डेवलप करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे मेनली काम किसका है, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन, ठीक है, ध्यान रखना। इथाइलिन वैसे रेगुलेटर नहीं है, सस्पेंडेड का काम करता है, इथाइलिन परिपक्वन का काम करता है, जिब्रेलिन के साथ में इथाइलिन, तो इथाइलिन की कम सांद्रता, ध्यान रखना ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इथाइलिन की कम सांद्रता जर्मिनेशन को कॉज करती है, एब्सिसिक एसिड के समान इथाइलिन की कम सांद्रता जर्मिनेशन को कॉज करती है, जिब्रेलिन की अधिक सांद्रता जिब्रेलिन इसको क्या करती है, जर्मिनेशन को कॉज करती है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दे देते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन,
इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन ClCH2CH2OH, ठीक है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। उसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थायो यूरिया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा NH2COSH NH2, दैट इज थायो यूरिया CH, ठीक है। इसके अतिरिक्त और हम बात करें तो KOH, इसका भी अनेक सीड्स में, सीड जर्मिनेशन में उपयोग देखा गया है, ठीक है, ये सारे के सारे। उसके अतिरिक्त और हार्मोन्स हमने लिख ही दिए, जैसे कि साइटोकाइनेंस है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, तो यहाँ पे इनकी भी भूमिका देखी गई है। तो जैसे इथाइलिन की कम कंसेंट्रेशन जो है सीड जर्मिनेशन को क्या करती है, प्रेरित करती है। क्लियर, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग 8-9, जिसके अंदर हमने ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी की स्ट्रेटजीज को देखा। अब कुछ महत्व की बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस में अगर अपन चलें तो किसके, सीड डॉर्मेंसी के, एक बार मिटा देता हूं, देख लीजिए इसको। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी हमारे कंप्लीट हो गया, सीड जर्मिनेशन अभी हम ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सीड डॉर्मेंसी, इसके सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की अगर अपन बात करें, महत्व या इंपॉर्टेंस की, तो सबसे बड़ा सस्पेंडेड एनिमेशन जो है वो सबसे बड़ा महत्व है सीड्स या एंजियोस्पर्म्स के लिए, फॉर एंजियोस्पर्म। अगर अपन इवोल्यूशन की दृष्टि से देखते हैं तो एंजियोस्पर्म्स का सबसे चरम पे आना, सबसे डेवलपमेंट स्टेज में होना, सबसे ज्यादा ब्रॉड वैरायटीज एंजियोस्पर्म्स की होना, ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है सीड। बिकॉज इसके महत्व की ओर अगर अपन चलें तो सीड की वजह से एक तो हमको मिल रही है डॉर्मेंसी, क्योंकि अगर अपन बात करें एल्गीज की, तो एल्गीज की डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज एल्गी ब्रायोफाइट्स की बहुत कम है जल में। दूसरा, उनको ग्रो होने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल एनवायरमेंट्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, वो व्यापक बहुत बड़े थैलस या बहुत बड़े प्लांट स्ट्रक्चर्स के रूप में सामने नहीं आती।
चौथा अगर अपन बात करें तो उनके अंदर स्टीलर सिस्टम या सारी चीज़ें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। वहीं अगर अपन जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म ने सीड डेवलप किए लेकिन उनके सीड्स में डॉर्मेंसी नहीं है, उनके एम्ब्रियो जो है डेवलप होके वहीं पेड़ के नीचे गिरकर वहीं क्या कर देते हैं, अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर लेते हैं। तो एक तरीके से उनके बीच में कोहेजन, ठीक है, समूहन, क्राउडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनके जंगल आसपास तो बहुत ज़्यादा दूर तक उनका डिस्पर्सल नहीं है। उसका कारण है कि वो प्लांट्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के सक्षम नहीं हैं। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है तो आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म ज़्यादातर वहीं मिलेंगे जहाँ उनकी कम्युनिटी होगी या जहाँ पे कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग होगी, दूसरी दुर्गम जगहों के ऊपर वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो एम्ब्रियो था, अब मेन चीज़ एम्ब्रियो पे मत आओ, एम्ब्रियो के अलावा भी बहुत कुछ है क्योंकि एम्ब्रियो ही सब कुछ नहीं है। वेजिटेटिवली प्रोपोगेट प्लांट्स है तो उनमें एम्ब्रियो नहीं है, उसके अलावा उसके और भी हैं, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, क्लियर है। ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, रिप्रोडक्टिव है या जर्मिनेटिव है, और ये कैपेबल है अपने आप को वापस किस में डेवलप करने में, एक नया संतति पादप उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं एक्चुअली में। तो इन सारे चीज़ों में अगर हम कैसे भी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, अंतर्जात मतलब एंडोजीनस, उसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस की एवज में या एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए अगर हम इन सारी चीज़ों को एक ऐसे पैकेट में एनक्लोज कर दें जिससे ये बच जाएं, मतलब रक्षात्मक परत, रक्षात्मक परत एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, ये जब अंदर रहेंगे तो इनकी रक्षा तो हो गई लेकिन इनको पोषण मिलता रहना चाहिए, पोषण, ठीक है। तीसरी चीज़, अंदर की तरफ एनर्जी एंड एंजाइम्स। चौथी चीज़, जब कंडीशंस बदलें तो ये वापस क्या हो जाए, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। एंड डिफ्रेंशिएट हो जानी चाहिए। फ्रीजर, डिफ्रीजर के लिए हम जानते हैं कि इसमें उपापचय धीरे कम हो जाती हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसे में तो हम किसी सीडलिंग को अगर डिफ्रीज में डाल दें और तो वो अपनी एज को रोक देगा, और रोकने के बाद जब हम उसको वापस बाहर निकालेंगे तो उसकी एज वहाँ की वहाँ हमको मिलेगी, लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉस ये हो रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सेल्स डैमेज हो जाती हैं, अर्थात चीज़ अंदर ही मृत हो जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर अपन सीड पे ले जाएं तो सीड के अंदर इसी चीज़ को हम टॉलरेट कर सकते हैं, सीड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, देन वापस मतलब हाई टेम्परेचर 120-130 डिग्री टेम्परेचर, इधर -20 डिग्री टेम्परेचर तक भी सीड का कुछ नहीं बिगड़ रहा और सीड वापस जर्मिनेट हो सकता है। तो उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें वाटर की लेवल क्या है, बहुत ही कम, लगभग 5-10% या 15% तक छोड़ी गई है। आगे बात समझ में, अर्थात वाटर इतना कम हो गया कि वाटर की वजह से जो रक्षात्मक परत थी वो कैसी हो गई, हार्ड, क्योंकि जिस चीज़ में पानी है वो सॉफ्ट है, जिस चीज़ में पानी नहीं है वो कैसी चीज़ हो जाती है, हार्ड। तो वो फिजिकली भी स्ट्रेंथ हो जाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ भी हो जाती है, और प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हो जाती है, ठीक है। दूसरा पोषण, पोषण जो है अगर वाटर नहीं है तो पोषण पदार्थों का अपघटन नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके से कैटाबॉलिक नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उनको कैटाबॉलिक करने के लिए जो एंजाइम्स हैं उनकी गतिविधि भी किससे कंट्रोल हो रही है, वाटर से। तो ऐसे में एंजाइम्स भी किस पोजीशन पर चले जाते हैं, सस्पेंडेड। तो जब एंजाइम्स को अपघटित नहीं किया तो एंजाइम नष्ट होंगे ही नहीं, और जो ही फेवरेबल कंडीशन वापस एंजाइम को दी तो वो वापस सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स को हम क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर है। उसी के साथ में एनर्जी, एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड है, पोषक पदार्थ इनमें स्टोर्ड है जो कि अभी तक डिग्रेड नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही हम कम कर लेंगे तो कोशिका विभाजन और डिफरेंशिएशन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, कम, क्योंकि हम पोषण दे ही नहीं रहे। जब पोषण नहीं दे रहे तो यही इसकी सबसे फेवरेबल चीज़ हो गई कि पोषण हमारे पास है लेकिन एनर्जी हम बना नहीं रहे, और जब एनर्जी नहीं बना रहे तो डिवीजन को हमने कम कर दिया, डिवीजन कम कर दिया तो डिफरेंशिएशन कम हो गया, डिफरेंशिएशन कम हो गया तो आकार, मतलब
आकार, एक्चुअली में आकार की बात करूं तो वृद्धि, हमने वृद्धि को ही क्या कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, निलंबन लिखेंगे, रोकेंगे नहीं, निलंबन। दो चीज़ें होती हैं, अगर आप कह दें तो रोकना, तो रोकने का मतलब क्या, स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है वो चीज़ अब आगे नहीं बढ़ेगी, और निलंबन का मतलब होता है कि वो चीज़ स्टैल हुई है कुछ समय के लिए किसी कारण से, जो ही वो बाधा दूर हो जाएगी वो अभिक्रिया वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे में जब हमने वृद्धि को ही रोक दिया है और उसको फिर कर दिया रक्षात्मक आवरण में, दैट इज नोन एज सीड। अब सीड को आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, सारे काम हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा क्या हो गया, सिग्निफिकेंस। उसी वजह से एडवर्स कंडीशन में दूर दूर तक, जहां पॉसिबल नहीं हो सका, जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच सका, वहां पे एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो क्या है, डेवलप हैं और वहां पहुंच चुके हैं, और इन्होंने अपने आप को उस मौसम के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, ढाल लिया, और नहीं ढाल पाए तो सीड्स को टॉलरेट करने के लिए डाल दिया जब तक कि मौसम चेंज ना हो जाए। क्लियर है? दूसरा, इसी प्रोसेस की वजह से जब हम ये सीख चुके हैं कि अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम कर दें अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उस चीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, यही गुण हमको स्टोरेज में काम आया। और आज इंसान जो है अलग अलग प्रकार के बीजों को अपने भोजन के रूप में, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स को, अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स को जो है वो स्टोर करने में सक्षम हुआ है बिना नुकसान पहुँचाए। क्लियर है? तीसरी चीज़, सीड्स की अगर अपन बात करें तो डिस्पर्सल में तो है ही, लेकिन प्लांट्स ने भी कुछ अलग अलग स्ट्रेटर्जीज अपनाई हैं, जैसे कि जुओकोरी की अगर अपन बात करें तो सबसे मेन बेस्ट एग्जांपल इसमें पक्षियों का है, क्योंकि पक्षियों द्वारा डिस्पर्सल स्ट्रेटर्जी सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा होती है। पक्षी जो है भोजन के लालच में या खाने के लालच में पास आते हैं, और पक्षियों के द्वारा दो तरीके से, एग्जो और एंडो तरीके से जो है सीड्स का क्या होता है, डिस्पर्सल। तो एंडो में दो फायदे हो रहे हैं, एक तो डिस्पर्सल हो रहा है, दूसरा जो हार्ड सीड कोट है वो पक्षी की आहार नाल में से विभिन्न प्रकार के एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, ताकि सीड जर्मिनेशन में क्या हो जाती है, सुविधा मिल जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम सीड जर्मिनेशन में डाल सकते हैं। उसी में जैसे मैनी मोर अगर अपन बात करें तो जो मरुद्भिद है, इतनी विषम परिस्थितियाँ, हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो कैटेगरी ऑफ वाटरफॉल, तो ऐसे में वहाँ पे नॉर्मल किसी प्लांट का अडेप्टेशन सरल नहीं है। ठीक है? तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी अडेप्टेशंस किए, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने सीड्स को भी क्या कर लिया, अडेप्ट, क्योंकि इनका जीवन चक्र बहुत छोटा है। मैनी मोर प्लांट, जैसे कि अगर अपन आर्जिमोन मैक्सिकाना की बात कर रहे हैं, तो इसका लगभग 1.5 से 2 महीने का जीवन काल है, जिसके अंदर इसको ग्रो करके वापस सीडलिंग तैयार करनी है, मतलब सीड्स तैयार करने होते हैं। तो ये इनके सारे अडेप्टेशन है, तो ये कभी कम्प्लीट हो पाया है, जब सीड्स। दूसरा, अगर प्लांट लेट बन जाए और कंडीशंस एडवर्स हो जाएं तो प्लांट नष्ट हो जाएगा, इससे पूरी वनस्पति या उसकी जो स्पीसीज है नष्ट होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में सीड जो है अगर नहीं हो रहा है, एडवर्स कंडीशन ख़त्म नहीं हो रही है या फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ रही है, तो ये साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैनी मोर सैकड़ों सालों तक भी कुछ सीड्स जो हैं क्या रह जाते हैं, अपने आप को वाइबल बनाए रख सकते हैं। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सीड्स का जर्मिनेशन। गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो सीड डॉर्मेंसी एंड कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ये हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हमारे पास में इसमें टॉपिक बनता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन तो क्या है ये सीड जर्मिनेशन? तो पहले एक बार अपन सीड की स्ट्रक्चर देख लें, देन उसमें जर्मिनेशन को देखें। तो फर्स्ट, सीड जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड, और वो भी कौन सा है, ऑर्थो।
ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल।